हेलो फ्रेंड्स, तो वीडियो टू है ये कॉस्ट अकाउंटिंग की। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस को फटाफट से देखते हैं। पहली तो ये प्राइस फिक्स करने में हेल्प नहीं करती। ये आपको बताती है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा एक ईयर के लिए, कोई आपको प्राइस फिक्स करने में हेल्प नहीं कर रही है। उसके बाद है एक्सपेंस क्लासिफिकेशन। एक्सपेंस क्लासिफिकेशन में भी ये हेल्प नहीं करती, ये आपको सिर्फ आपका प्रॉफिट बताती है और टोटल एक्सपेंस को देख के कि जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से पूरी कॉस्ट माइनस कर दो इतना प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये तो नहीं बता रही ना कौन सा एक्सपेंस जो है कौन सी चीज़ से आ रहा है, ये आपको नहीं बताती है। इसलिए भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। नॉट हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। अब ये हमें हेल्प ही नहीं करती किसी ये जानने में कि कौन सी चीज़ की कितनी कॉस्ट आ रही है, तो ये कॉस्ट कंट्रोल में क्या हेल्प करेगी। उसके बाद नॉट हेल्पफुल इन कंपैरिजन। अब हमें पता ही नहीं है कि हमारी किसी एक डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है ना, वो दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट से किस तरह से अलग है, तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो टोटल कॉस्ट दिखाती है ना, ये नहीं दिखाती एक की इतनी। आपके परचेस डिपार्टमेंट का इतना खर्चा है, आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का इतना खर्चा है, तो हम किसी भी अपने डिपार्टमेंट के बीच में कंपेरिजन नहीं कर पाते। प्रोवाइड्स ओनली हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें सिर्फ आपको हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपका जो पीछे के साल का रिजल्ट था वो क्या रहा, फ्यूचर का कुछ नहीं बताती। नो लॉस एनालिसिस। अब इसमें कोई लॉस एनालिसिस भी नहीं होता कि अगर हमें नुकसान हो रहा है तो कौन से डिपार्टमेंट से हो रहा है, ये भी हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता चल रहा ना कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा कॉस्ट इनकर करता है। नो स्टैंडर्ड टू असेस परफॉर्मेंस। अब जैसे कि हम कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या पता कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्मेंस दे रहा, कौन सा बढ़िया दे रहा है, कौन सा घटिया दे रहा है। नॉट हेल्पफुल इन कॉस्ट रिडक्शन। और ये कॉस्ट रिडक्शन में भी हमें हेल्पफुल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हमें बता ही नहीं रही कि कहाँ से हमें कॉस्ट ज़्यादा इनकर करनी पड़ रही है और उसके क्या टेक्निक्स लगा के उसको कम किया जा सकता है, तो कॉस्ट रिडक्शन का इसमें सवाल ही नहीं बनता। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसी के कारण कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आया। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, मेन क्वेश्चन बन सकता है पेपर में आपका, तो ज़रूर देखिएगा। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस है, सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस इधर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। पर्पस है प्रॉफिट एंड लॉस बताना साल का, ये बताती है कि आपकी कॉस्ट कितनी रही और उसको कंट्रोल कैसे करना है। और फॉर्म ऑफ अकाउंट, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, इसमें कॉस्ट अकाउंट बनता है और कॉस्ट शीट बनती है। रिकॉर्ड, ये सिर्फ एक्सपेंस रिकॉर्ड करती है। नेचर ऑफ एक्सपेंस, नेचर ऑफ एक्सपेंस मतलब कि जो आपके एक्सपेंस है वो कौन से नेचर के हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल कितना एक्सपेंस हुआ वो बताती है। उसके बाद है कंट्रोल, ये कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करने देती, हेल्पफुल नहीं है कंट्रोल में। ये कंट्रोल करती है बजट बना के कि आपकी कॉस्ट आपको कंट्रोल करनी होगी। पीरियड होता है इसका एंड ऑफ ईयर, इसका कोई पीरियड नहीं, जब चाहो तब कॉस्ट पता कर लो। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, ये सिर्फ आपको प्रॉफिट बताती है लेकिन सारे साल का, सारे बिजनेस का, और ये आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट से, एक पर्टिकुलर जॉब से आपको कितना प्रॉफिट हुआ ये बताती है। उसके बाद है नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ मॉनेटरी बताती है, ये आपको मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है। फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें हेल्पफुल नहीं है फिक्स करने में सेलिंग प्राइस, बल्कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्पफुल है सेलिंग प्राइस को फिक्स करने में। फिगर्स इसमें एक्चुअली यूज़ होती हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में एस्टिमेट यूज़ होते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन, इसमें देखा जाता है कि कॉस्ट मार्केट प्राइस और कॉस्ट जो भी कम हो उस पर स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जो स्टॉक है वो कि कॉस्ट जिस कॉस्ट पे खरीदा गया है उसी पे रिकॉर्ड होगा। और अब है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कॉस्ट कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। सबसे पहले देखते हैं नेचर, तो इसकी है, इसमें हम कॉस्ट कितनी आएगी उसका प्रोसेस देखते हैं, और ये सिर्फ एक ब्रांच है अकाउंटिंग की। स्कोप इसका यही है कि इसमें कॉस्ट को ऐसे प्रोसीजर्स बताएंगे हैं, टेक्निक बताएंगे हैं जिससे ज़रिए हम कॉस्ट को माप सकते हैं। इसमें सिर्फ उसको कंट्रोल करने का और उसकी क्लासिफिकेशन बताई गई है प्रोसेस, और इसमें प्रोसेस जो है वो भी सेम ही रहता है कि कॉस्ट जो है कितनी आएगी किसी प्रोडक्ट की, उसका प्रोसेस देखना, उस प्रोसेस के ज़रिए गुजरना जिससे हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निर्धारित कर सकते हैं, और ये सिर्फ हमें बजट बनाने में हेल्प करती है। मेनली ये थ्रेटिकल पार्ट है, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ये हमें रूल्स बताएगी, ये उस रूल्स को कैसे लागू करना वो बताएगी। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब वीडियो जो थर्ड होगी वो मटेरियल पे होगी, तो वो भी अपलोड हो जाएगी, तो इसके नोट्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे। Please do check out. Thank you.